ये देखो ये देखो ये देखो कमीने कर दिया रास्ता साफ। चलो चलो घूमने चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो थोड़ा मटक मटक के चलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जब रात चोट लगी ना तब गर्म थी तो इतना पता नहीं चला। जब वो ठंडी हुई तो रात भर देखते हुए सो नहीं पाई, नींद नहीं आई, और अब नवाब को घुमाने निकली हूँ सुबह सुबह। तो ये भाई साहब ये सारे ऐसे मस्ती कर रहे हैं, मुझे लगा इसे पता चल गया हो कि दीदी को कुछ हुआ है। हाँ कालू आ जा आ जा आराम से बेटा, पैर बचा के मेरा। तो कालू भी आ गया, अब हम लोग निकलते हैं अपनी वॉक पे। थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे चला ही नहीं जा रहा। ये देखो नवाब साहब के लिए रास्ता साफ करते हुए नवाब की प्रजा सैनिक, इधर कालू, सब मतलब दूर दूर तक जितने जो भी डॉग थे सबको भगाया है। बताओ क्या जरूरत है, जो भी पूछ ली। काली, कालू, मिंटी, डेजी तो इधर है, ठीक है ना इधर। अरे आ गए आ गए आ गए, शुक्र है शुक्र है। ये देखो ये कालू जाता है सबसे पहले, देखा इसको जंप, देखा जंप देखी इसकी, सबसे पहले जाता है जंगल में। और इन्हें ये भी चले जाते हैं पीछे, ये तो गुम हो जाते हैं, ये वो निकल आता है, इतना स्मार्ट है देखो कालू। तो अभी मैंने जस्ट चाय बनाई है और बैठते हैं पीते हैं। नाबू तूने कच्ची भी नहीं निकाली यार अपनी, कुछ तो काम कर लिया। अगर मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो कच्ची भी नहीं निकाल सकता अपनी, हाँ नाबू इतना तो कर ही सकता है यार। अभी क्या हुआ, अभी मैंने जस्ट व्लॉग देखा तो उसमें रोहन मेरे से वर्चुअल माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी। तब फिर जब व्लॉग देखा तो उसमें रोहन मेरे से सॉरी मांग रहे हैं, तो त्यागी जी माफ़ किया आपको। और उसे मैं एक कमेंट पढ़ रही हूँ कल के व्लॉग में कि फाइनली गुस्सा दिख ही गया दीदी का। तो ऐसा नहीं है, सभी गुस्सा करते हैं, सभी इरिटेट भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, चिढ़ते भी हैं, बहस भी करते हैं, नोकझोंक भी करते हैं, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और अगर कोई ये क्लेम करता है ना कि हमारी लड़ाई नहीं होती, हमें तो हमेशा प्यार रहता है, हम तो बहुत एक दूसरे को मतलब हर टाइम हाथों पर रखते हैं, तो वो टोटली फेक है, सीरियसली फेक है। क्योंकि देखो जहाँ दो बर्तन रहेंगे ना वो खड़केंगे। तो ये बकरी चरती फिर रही है पार्क में, ये देख रहे और रहे। कह रहे झूठ बोल रही मम्मा, मम्मा झूठ बोल रही है, कोई चर नहीं रहा। मैं तो मुझे लगता है ना कि ऐसे ही लड़ते झगड़ते बहस करते नोकझोंक करते रिलेशन हेल्दी रहना चाहिए। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है और स्पेशली मैंने सोशल मीडिया पर देखा है जिन कपल्स की बहुत अच्छी अच्छी रील्स, बहुत ऐसे प्यार करने वाली, हाथों पर रखने वाली और मतलब पैम्पर करने वाली वीडियोज़ जिनकी रील्स देखी है, अगले दिन उन्हीं के डिवोर्स भी देखे, तो इट मीन्स टोटली फेक ही कर रहे थे ना। फेक ही होता है ये कि आप एक दिन पहले तो आप इतनी ऐसी रील बना रहे हो कि मतलब आप समझ सकते हो, जो जो कंटेंट होता है कि बीवी के पैर हाथों में रखना, गोदी में उठाना, हाथ से खिलाना, ये करना वो करना, और अगले दिन ही हम लोग फिर देखते हैं कि अरे डिवोर्स हो गया इनका, तो हम लोग ही डाइजेस्ट नहीं कर पाते भाई कि वो फेक था या ये फेक है। ये लोमड़ी दिख रही है किसी को कच्चे पहने हुए? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इस लोमड़ी ने कच्चा पहन रखा है, इसलिए ये दुनिया में एकदम यूनिक है। कच्चे पहनी हुई लोमड़ी तो आप लोग भी पहली बार ही देख रहे होंगे। अरे सुंदर कितनी लगती है कच्चे में। ए कच्चा धारी कच्ची, ए लोमड़ी नाबू। अरे बाप रे, पता है ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लांट्स के साथ में ना आप घंटों बैठ सकते हो, घंटों। और जब आप प्लांट को ना ग्रो होते देखते हो ना तो आपको जो फीलिंग आती है बिल्कुल ऐसा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है। क्या हाल चाल है भाई, पैर के पेन तो बहुत ज़्यादा रहा है, ऐसे ना धक 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 हो रही है। दिस इज द सिचुएशन, यहाँ नीचे तो सरिया, यहाँ घुसा देन यहाँ। तो मैं निकला हुआ हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लेने के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे और बोलते हैं ना कि सैटरडे को लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं आया हूँ पूजा वाली जगह जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, और आज नवरात्रि की वजह से ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़। तो भाई हमने ये ले लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये हमारे लिए ना। पिछले 3 मिनट से बाहर खड़ा हूँ, पता नहीं कहाँ है मैं। कहाँ थे आप? मैं डेट पे गई थी। तो मेरा लड़का आया मेरे को लेने, मम्मा का पता ही नहीं है।
कहाँ है मम्मा? गई, गया ना अबू? कहाँ जा रहा है तू? इधर तो आजा लोमड़ी, इधर तो आजा। अरे मेरा गुद्दा, ओए 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 ओए, अरे मेरा बच्चा, ओए 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 ओए। फ्रेम को बोला जाता है मैं ब्लॉग नहीं बनाता। देखो तुम गाइस, तुम ही देख लो, मैंने पिछले 2 मिनट से फ्रेम में लाने के लिए बोल रहा हूँ कि आ जाओ, बट नहीं, अपना अलग एटीट्यूड है मैडम का। रात वैसे भी गमले से ठुक गई तो इनको चोट लग गई। गाइस तो मैं गमले से भी चोट लग गई, देखो मैं गमले से ठुक गई। गाइस ये लड़की झूठ बोल रही है। और आगे क्या था? आज मैं गमले से नहीं ठुकी, यही था ना? आज मैंने ग्रीन आईलाइनर लगाया। आज मैंने ग्रीन, वैसे तो बोला नहीं जा रहा, आज मैंने ग्रीन आईलाइनर लगाया। देखो मैं गमले से ठुक गई और मेरी जो नाखून की वो वाली स्किन है ना वो, पर मैंने आज ग्रीन आईलाइनर लगाया है। ग्रीन आईलाइनर लगाया। आज मैंने ग्रीन, वैसे तो बोला नहीं जा रहा, आज मैंने ग्रीन आईलाइनर लगाया। तुमने मटर मशरूम खाए? रोहन ने हाँ। रात मेरे लिए खाना बनाया, रोटी और मटर मशरूम। मटर मशरूम हमारे घर मटर नहीं थी तो, लेकिन वो मटर मशरूम था। हाँ, कैसे मतलब इमेजिन था, मटर को इमेजिन कर लो मशरूम तो था, सिर्फ उसमें मटर नहीं थी। हाँ, हाँ तो मटर बनाया तो मैंने मटर मशरूम था ना, समझ रहे हो? मटर मशरूम में सिर्फ मटर नहीं थी लेकिन वो मटर मशरूम। अब आप आइडिया लगा लो वो कैसे मटर मशरूम होंगे। वैसे प्याज टमाटर कैप्सिकम और मशरूम थी, और मुझे सच में नहीं समझ आया वो क्या था, वो क्यों था, वो क्यों बनाया था। गाइस हमने गलती कर दी। गाइज अभी तो आप लंगड़ा के नहीं चल रहे थे, किसने कहा? अभी जब आप आए थे, कैमरे में रिकॉर्ड है। तितली घूम रही नीचे, नेवला आ गया घर में, रोहन उसका बना रहे रास्ता जाने का। वो जो वो पौधों के लिए लगाते हैं इंडोर प्लांट वाली, वो तो दिख गया, पेट थुल थुल हो रहा है। अरे नेवला निकालो यार, शायद यही काम है बस। है किधर? दरवाजा बंद कर रखा बेचारा, कहाँ से जाएगा? तभी तो दरवाजा बंद कर रखा, जुगाड़ तो करूँ। दरवाजा बंद कर देना, वहाँ बात नहीं। अरे फिर नेवले के, अरे जानवरी तो है क्या, मैं ज्यादा ज्यादा काट लेगा तुम मर जाओगे, बस इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं। दुनिया से मुक्ति पालोगे, इन सब जो दुनिया के काम धंधे हैं इन सब से फ्री हो जाओगे। यार रोहन उसे निकालो, मैं दिखाई नहीं दी तुम्हें? इतना इतना दिखा रहे हैं ये लो, पर मैं तुम्हें दिखा नहीं रही, बस ये ये ही करते रहे ना। क्यों किया, किसने किया ये? और कोई काम है कि नहीं? सुबह से तीसरी बार मैं इकट्ठा करूंगी तेरा ये खाना, मैं नहीं करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी, तुझे करना पड़ेगा, तो इकट्ठा कर खाना। मिचको ऐसे क्या कुछ बोल रहे हैं, इग्नोर कर दे, ठीक है मैं कर दूंगा। नहीं विस्की करेगी आज, इकट्ठा कर इसको। मतलब अपनी गलतियां छुपाने के लिए कुछ भी कह सकता है इंसान। नहीं मैं कोई गलती नहीं छुपाई, जिस इंसान को करेला पसंद है वो बोल रहा है कि मुझे पालक कड़वा लगेगा, वाह। अरे लेकिन यार इसको तुम क्या कर सकते थे, पालक बना के उबाल के दो आलू डाल देते, आलू पालक बन जाता, पनीर नहीं था। ये आलू पालक ही है, पनीर नहीं था। ऐसा आलू पालक कौन? मैं बनाती हूँ, हम जिम करते हैं, हमें सारे न्यूट्रिशन चाहिए, तो हम इस पालक के पानी को कैसे फेंक सकते हैं, तो मैंने उसी में उबाला है, तो जितने भी प्रोटीन है जितने भी न्यूट्रिशन है सब हमारे पेट में। ज्यादा बॉडी बन रही है ना, इसका रीजन यही है गाइस, आलू पालक। ये आलू पालक तुम भी बना के देखना, अपने पति को खिलाना, तुम्हें पता चलेगा। फिर सब खिलाते हैं, सबको खाना पड़ता है। तुम बिहेव ऐसे करो जैसे तो नहीं खाओगे नहीं, और जब भी तुम्हें मैं तो हमारी गलती है कि हम कुछ भी बना के खा लेते हैं, हम नखरे मारे ना तो सब सही हो जाए तुम्हारा। हाँ, और मैंने फिर अगर तुम नखरे मारोगे ना तो फिर मैं, अगर मैंने नखरे तो मारे ना, करनाल निकल जाओ ना 10-15 दिन के लिए। मैं 10-15 दिन के लिए क्यों निकलूं, फिर परमानेंट निकलूंगी। परमानेंट इतनी खुशी नहीं झेल पाऊंगा मैं, खुशी दे देंगे। तो मैं काम फिनिश करके जा रही हूँ, कल नवरात्रे स्टार्ट है तो नवरात्रों का सामान लेने, पूजा का सामान लेने, और रास्ते में एक जगह है जहाँ से मुझे एक पौधे की कटिंग भी लानी है, तो इसलिए मैं पहले ही प्रिपरेशन करके जा रही हूँ, अपनी चाकू वगैरह सब लेके। मैं एक जगह किसी सामान के लिए रुकी तो ये बच्चा अपने आप ही दूम हिलाता हुआ आ गया, मेरे को स्निफ करने लग गया। मैंने कहा तेरे को शायद पता है मेरे पास खाना है, स्कूटी में रखा हुआ है आज खाना। तो मैंने अभी इस वाले पौधे की डाली ली है, ये देखो इसका नाम है कृष्ण कमल, ये आप कर दो भाई। देखो इसका फूल देखो पहले तो आप लोग, काफ़ी लोगों ने देखा होगा काफ़ी ने नहीं, इसे बोलते हैं कृष्ण कमल और राखी बेल। तो इसकी डाली चल जाती है, लेकिन मैंने भैया से मांगी तो एक डाली मिली है मुझे, तो देखती हूँ चलेगी कि नहीं चलेगी। ये लो भैया,
तो फाइनली पहुंच गई मैं पूजा वाली शॉप पे। अब चलते हैं अंदर और लेने चलते हैं सामान। मैं जस्ट अभी घर पहुंचने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आ गई हूँ पार्क में जहाँ पे कालू गोलू बोलू घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है डबल चांदनी का पौधा और मुझे उसकी कलम चाहिए, तो मैं आ गई हूँ एक और कलम लेने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं मुझे बताओ पहले, तुम लोग बताओ। नहीं नहीं तुम पकड़े गए, चीटिंग चीटिंग, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओए ओए लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। ये लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे, ये लड़ाई नहीं करनी यार, दोनों से मिलूंगी। तो मैंने जस्ट आवाज दी गोलू और मैं नीचे बैठ गई, मैं देखती हूँ आएंगे कि नहीं। वहां से आ गए ये लोग, क्या नहीं चीटिंग है, कहाँ घूमते फिर रहे हो? नो नो। अच्छा तो अब हमारे पास डबल चांदनी भी है, चलो घर चल के इसको लगाते हैं। आ जाओ आ जाओ, देखना इनको पागलों को, देखना इनको भाई। मैं फ्री होके अकेले कहीं नहीं जा सकती, मेरा पति मुझसे पूछता नहीं है कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, लेट क्यों हो गई, इतना देर क्यों हो गई, लेकिन इन लोगों के होते हुए मैं कहीं जा नहीं सकती। विस्की को तुम बाहर बिठा के आए हो उसे? हाँ, विस्की को ना फिर से यूटीआई हो गया, सारी ब्लड की लाइन ऐसे, पहले पानी से साफ किया, उसका जो स्प्रे आता है उससे कर रहे हैं ताकि बदबू थोड़ी कम हो जाए, उसको ना ब्लड आ गया फिर से। आओ गाइस, विस्की का सुसुब साफ करने के बाद में ये वाले कंटेनर में प्लांटर में हम लगाने वाले हैं अपने दोनों पौधों में लेके आई हूँ। अगर चल जाती हैं, वैसे मेरे को डाउट है, अगर फिर भी चल जाती है तो फिर हम उनको बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे, लेकिन पहले हम छोटे प्लांटर में लगाते हैं और सबसे पहले हमें पत्थर ढूंढने ताकि हम इसके बेस में लगा सकें। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। मैं सोच रही हूँ मैं अपना एक नया चैनल बना लूँ जिसमें मैं सबको बताऊँ कि मैं कैसे प्लांटिंग करना सीख रही हूँ। खैर ये तो मजाक की बात होगी, रोहन देख रहे हैं मैच, मैं कर रही हूँ अपने पौधों का काम। तो आइए अब हमें मिट्टी लेनी है, मिट्टी से पहले गमला तैयार करना है, गमले में पत्थर डालने हैं और फिर थोड़ा सा खाद डालना है उसमें। तो मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे है बर्मी कंपोस्ट, यहाँ पे है मिट्टी, यहाँ पे है छोटा सा प्लांटर, इसमें कुछ पत्थर जो कि मैं इसमें भी डालने वाली हूँ, और मेरी बकवास को थोड़ा इग्नोर करना। तो मैंने ये कलम तैयार कर ली है, इसके पत्ते मैं हटा दूँगी ये भी, नहीं तो अगर चली तो पत्ते नहीं आ पाएंगे इसमें। और ये है वो जो मैंने फ्लावर दिखाया था पर्पल कलर का, कृष्ण कमल बोलते हैं इसे और राखी बेल भी बोलते हैं। तो भैया ने ना मुझे सिर्फ एक ही टहनी दी। क्या हुआ? अरे यार देखो 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 ये देखो क्या चलता है सारा दिन, देखो ये चलता है सारा दिन। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि इसे कृष्ण कमल भी बोलते हैं, राखी बेल भी बोलते हैं, और भैया ने मेरे को सिर्फ एक ही टहनी दी, उनका बिल्कुल मन नहीं था ये एक भी देने का, और जबकि उनकी बहुत बड़ी बेल है, तो ये टहनी कहीं भी मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ मैं समझ सकती हूँ कुछ लोग होते हैं अपने पौधों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव कि वो शेयर नहीं कर सकते, तो आई रिस्पेक्ट। और मैं एक ही लेके आई, और उन्होंने फिर लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा ना कि मैंने बहुत ही पोलाइटली बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करके उनसे मांगा चाहे, तो मैं वो भी मतलब ऐसे काट लेती हूँ, उनसे पूछती भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर ये चल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती है तो फिर दोबारा जाना, दोबारा ले जाना। मैंने कहा ठीक है। पापा को भरोसा नहीं हो रहा आपको? नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता आपको? ना। अरे मैं लेके जाऊंगा। आप कैसे, मम्मा लेके जाती है, आप कैसे लेके जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं, मंदिर चलो, मंदिर चलेंगे। कान पीछे टेल हिला के खुद ही मुंह डाल लेता कच्चे में। कह रहे पापा आप कैसे लेके जा रहे हो आज लोमड़ी को? मैं एक चीज दिखाऊं? हाँ, लोमड़ी को उठाओ, ऐसे लोमड़ी को उठाओ, लोमड़ी को पप्पी कर दो, बस पप्पी कर दो, बस ये लोमड़ी लोमड़ी ऐसे हाथ छोड़ती लोमड़ी का मेरा। कैसे हिम्मत कैसे हुई मेरे पौधे में पैर रखने की? मेरे पैर मुड़ा था, पैर टूट जाता वो ज्यादा था या फिर वो तो ठीक हो जाता फिर 40 दिन का प्लास्टर चढ़ता। तुम पागल हो जाओगी एक दिन, नहीं दिख रहा कुछ भी आज के टाइम में, नहीं दिख रहा। लोमड़ी बैठ गई, तो ये देखो लोमड़ी और पापा रेडी मंदिर जाने के लिए। विस्की विस्की बस 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 थक जाएगी, बस बस दीदी 5 मिनट में आ रहे हैं, बस घर का ध्यान रखना ठीक है, मंदिर जा रहे हैं। ये देखो बैठे 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 सो रही मिनटी, ना वो बैठा ना वो स्कूटी में बैठा, ना वो के पास सारे बच्चे हैं, ना उन्हें किसी का भाव नहीं दिया, इग्नोर इग्नोर करो इग्नोर।
आराम से बैठ, सैटरडे आज, आज सैटरडे, आराम से बैठो। नवाब साहब मंदिर से वापस जा रहे हैं, लेकिन ये हर सिचुएशन में एडजस्ट करता है, पता है। बचपन से इसको ऐसे खिलाया है ना, तो उसे पता है कि ऐसे भी बैठते हैं, गाड़ी में भी बैठते हैं, कभी कभी पिकअप में भी बैठते हैं ना वो जब ट्रैवल करने जाते हैं पहाड़ों में। तो यहाँ पे पापा ने हमें सुसु पोटी वाली जगह पे ड्रॉप किया और पापा जा रहे हैं घर। ये देखो हमारा मंदिर बहुत पास है ना, सेक्टर के सेक्टर में ही है। आ जाओ, हम वॉक करेंगे। अभी हम लोग घर वाली साइड जाएंगे ना, जब मैं और नाबू तो गोलू बोलू चिंटू मिंटू देखेंगे, तो उनका सच में क्वेश्चन तो यही होगा, गद्दारी कौरबे हमें पता कैसे नहीं चला कि तुम लोग चले गए और तुम कैसे घूम फिर के आ रहे हो। लेकिन आज मुझे पता चला कि गोलू भोलू मेरे बाद में भी इधर आते हैं। फेंटा तो उतारूंगी। ओ नहीं गोलू, अरे यार हमें पता क्या है, हमें ना काम ही है कि हम घर से निकले तो हमारे 15 मिनट आने के और 15 मिनट जाने के। ओए गोलू, गोलू आ जा, इसको बाहर नहीं जा रही मेरी बदतमी। इसको वो देखो, वहां के सारे डॉग्स आ गए। बाप रे, देखो ये आया गोल्डी। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं। हाँ ये गोल्डी, ठीक है। और ये सामने वाले घर में रहता है, तो मेरे को देख के आ गया। ओ गोल्डू, गोल्डू तेरे को रोज सोचती थी कॉलर पहना हुआ, मैं भूल जाती हूँ सुबह, कल पक्का लेके आऊंगी। ये देखो, ये अब ये ना हमारे मोहल्ले के नहीं है, ये प्रीति के मोहल्ले के। अरे अरे क्या देखे भाई भाई, अरे भाई अभी पता क्या हुआ, अभी इंडिया जीती ना जैसी, तो लोगों ने पटाखे बजाने शुरू किए और इसका ना हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई पटाखों से। दिवाली पे तो इसकी बहुत हालत खराब होने वाली है यार, है ना, बहुत ज्यादा बुरी तरह तड़पी है ये, ऐसे हो गई कि मतलब क्या करे क्या करे क्या करे। और ये पटाखे बज रहे हैं, कह रहा मैं खुद एक पटाखा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मंदिर से आने के बाद में हम चले मार्केट सामान लेने, और मैडम ने आज बोल दिया कि मैं थार से जाऊंगी। नहीं भाई, मैं तो स्कूटी की चाबी जेब में है मेरे। टाइम तो तुम झूठ मत बोलो, जा रहे थे हम, फ्रेम तो ठीक करो, उधर जा रहा तुम्हारा फ्रेम। मैं अच्छा, नहीं, ओ माय गॉड, फ्रेम में नहीं आ रही है। हाँ, चाबी मेरे पॉकेट में है, मैं तो स्कूटी से जा रही थी, मुझे क्या तो तुम्हें थार से जाना है। अच्छा जी, थार से मतलब तुम लिटरली, तुम पापा से ही कहते हैं, सुसु भी कर रहे, तुम थार से ही जाते। अरे चुप रहो, तुम बकवास मत करो। गाइस देख रहे हो, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं चाहे कितना ही कमा लूं, कुछ भी कर लूं, मैं क्यों ही बोल रहा हूं। तुम ऐसे लक कमा रहे हो क्या, सब कमाते हैं। चलो ओके गाइस, तो जब मार्केट आए तो मेरे को लगा कि मेरे को अपने फोन का टेम्पर लगा लेना चाहिए। अभी तो किसी भी मार्केट में जाओ ना, ये वाइब है, मजा आ रहा है देख के ना, ऐसा लग रहा है कि यार वाओ। गाइस जब तक मैंने काम कराया तब तक गाइस ये मैंने क्या देख लिया, गाइस ये मैंने क्या देखा, 8 दिन के फास्ट है, आज फिर 8 दिन खाओगी नहीं, इसीलिए आज ही कोटा पूरा कर रहे हो, इसीलिए मोमो खा रही हो, भैया के खत्म भी हो गए इसीलिए। अभी हुई है मेरी गजब बेइज्जती। हाँ मैं बताती हूँ क्या हुआ, मैं अकेली पूरी दुनिया भर में हंड आती हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानता। रोहन के साथ आप जब भी आओ ना मार्केट में, कहीं भी जाओ तो रोहन दे रहे होते सेल्फी, ऊपर से मैं पहन के आती हूँ, कपड़े भी ऐसे कि मुझे कोई जानता भी होगा। गाइस 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 देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने प्यार कमाया लोगों का, है ना। हाँ जी, हमने तो हेट कमाई है। नहीं हेट नहीं कमाई है, आई एग्री, इट्स ऑल ओवर। यार मुझे बंदे लोग प्यार करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, यार देखो गाइस, आई नो आप लोग देखोगे आज का ना, इसलिए आपको लोग मतलब सेल्फी क्लिक कराते हुए मैंने इसलिए मतलब व्लॉग में नहीं लिया, उसका रीजन है मेरे को ना नहीं पसंद कि मतलब ऐसे मैं वो, थोड़ा समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मतलब मेरे साथ होता है हमेशा, आई एग्री, मैं ना ग्रेटफुल हूँ, बट फिर मेरे को लगता है अगर मैं व्लॉग में ऐसे दिखाऊंगा तो मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, तो बस यही मेरा एक रीजन है कि मतलब मैं इसलिए वो चीजें दिखाता नहीं हूँ। बट हिमशु देखो जलन से आज मरी जा रही है। हाँ मर तो रही हूँ मैं, मतलब मुझे कोई नहीं पहचानता यार, मैं कहीं भी चली जाऊँ आ जाऊँ तो उनके साथ जाओ तो मैं काम करके कहीं से आ रही होती, रोहन के पास लोग खड़े होते बात कर रहे होते, उनके सही है यार, तो अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हम लोग ना अभी जब मार्केट से आ रहे थे तो सब मिल गए।
सब मिल गए हमें ना, ये पास में सोसाइटी में रहते हैं तो देर सड़क के नवाब से मिल लेते हैं। तो ये देवाल आ रही है और नवाब सबको दिखाते हैं। पहले विस्की को प्यार किया है, व्लॉग में मत बोलना बिल्कुल भी कि भाई देखो विस्की को इन्होंने इग्नोर कर रखा है। पहले विस्की को से प्यार कराया फिर अभी नवाब साहब की चल रही सेवा। तो ये दे ऑल कम फॉर नवाब ओनली। नाबू ने बड़ी मुश्किल से जाने दिया। गोलू नहीं, गोलू नहीं, गोलू नहीं, गोलू नहीं, आजा रैम्बो, चिंटू आजा। कह रहे मेरे से नहीं, हमसे तो मिलके ही नहीं गए, आप आए नहीं, कैसे मिलते आपसे? आप सबको पता है मैं 12:05 फ्री हुआ और फ्री होने के बाद में शायद मैंने इतनी जल्दी कभी व्लॉग एडिट नहीं किया इतना आज व्लॉग एडिट किया है, क्योंकि मेरे को पता था हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं अपलोड करने के लिए। और आप फिर अभी देखेंगे भी तो 15-20 मिनट उसमें भी जाएगा, आप लोगों की नींद भी थोड़ी लेट हो जाएगी। लेकिन मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ मैं जल्दी डालूँ, लेकिन दिन ही इतनी लेट ख़त्म होता है, उसके लिए जल्दी सोना शुरू करना पड़ेगा सारी चीज़ें। मैं कोशिश करूँगा चलो हम कर पाएँ, बट तब तक के लिए माफ़ी। और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बहुत सारा प्यार देना है। आज के लिए शुभरात्रि, मैं चला फीडिंग के लिए जस्ट अभी व्लॉग अपलोड करके। बाय बाय।